यूसरा, सारा किचन तुमने फैलाया हुआ और यहाँ बैठ के तुम सलाद बना रही हो किस खुशी में? क्योंकि आज कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, आपकी शादी की बात करने। क्या? और ये सब मैंने किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। अजमी, तुम ज्यादा बड़े नहीं बन रहे हो। अरे नहीं बेटा, वो मान दिखा रहा है, तुम पर अपना हक जता रहा है। अम्मी, आपका प्लास्टर कब उतरा? मैंने तो गौर ही नहीं किया। हाँ, ये भी इसकी जल्दबाजी का नतीजा है। सुबह होते ही मुझे हॉस्पिटल ले गया कि फिर मेहमान आ जाएंगे। अम्मी, ये फाइल आप ही को खुद दे दें। खुदा बेटा, अजमी ने ये फैसला किया है कि ये घर तुम्हारे नाम करवा दिया जाए। अजमी, तुम पागल तो नहीं होगी? ये फैसला तुम अकेले कैसे कर सकते हो? इस घर पे सबका हक है। जी बिल्कुल, इसीलिए मैंने घर की कीमत पहले ही लगवा ली थी। ये यूसरा का हिस्सा और ये भाई का। अजमी, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, गलत बात है ये। आप ही प्लीज देखिए, मैं जानता हूँ जिस तरीके से बाबा और आपने रिश्तों को समेट कर रखा था, उसी तरह बाबा के घर को आप जोड़ कर रखेंगे, मुझे पूरा यकीन। हाँ होता बेटा, इस तरह यूसरा और आदिल को कारोबार करने के लिए रकम मिल गई है। बेटा, तुम कौन सा इस घर से किसी को जाने का कह दोगी? अल्लाह ना करे अम्मी, आप कैसी बातें कर रही? अजमी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, प्लीज प्लीज होता। अम्मी, आप लोग मुझे और शर्मिंदा मत करें। भाई, इन कागजात पे भले इस बुद्धू ने मेरा नाम लिखवा दिया, लेकिन ये आपसे यूसरा से इस घर में रहने का हक नहीं छीन सकता। और भाई, प्लीज आप ये पैसे बैंक में रखें, जब पर्दा ठीक हो जाएगी ना तो हम उसे इस घर में ले आएंगे फिर से, ठीक है? और यूसरा, तुम चाहो तो आदिल के साथ सारी जिंदगी इस घर में रह सकती हो, इस घर पे तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना हम सब का है। और इस बार मैं दिल से मेहनत करूंगा, अपनी यूसरा को कभी मायूस नहीं होने दूंगा। अच्छा भाई, अब क्या हम बातें ही करते रहेंगे? मुझे जल्दी से बताओ कि बाहर से क्या लाना है, शाम में मेहमानों ने आना है। अरे नहीं, कुछ भी नहीं लाना, मैं आज सब कुछ घर में बनाऊंगी। अरे भाई, आज तो अल्लाह ही रहम करे मेहमानों का। मम्मी,